गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, आपकी हिंदी की जो वर्क बुक है उसमें हम आगे के अक्षर लिखना सीखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले है अहाँ खाली, ट ट से टोकरी, ठ ठ से ठप्पा, ओके, और ठ से ठठेरा भी होता है, तो ये वाले अक्षर आज हम लिखेंगे, ठीक है। आपकी जो हिंदी की वर्क बुक है उसमें कंटिन्यूस हम डेली 2-2 पेज कर रहे हैं, तो आप भी अपने घर पे ये वर्कबुक में वर्क करते जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अने खाली कैसे लिखेंगे, एक स्लिपिंग लाइन ट्रेस करेंगे, उसके बाद से यहाँ से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन करके, और यहाँ हमें एक हाफ सर्कल जैसा बनाना है, उसे थोड़ा आगे बढ़ाना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से इनको ट्रेस करते जाएंगे और क्या बोलेंगे इसे, अहाँ खाली, ठीक है। क्या बोलते हैं, अने खाली, अने खाली, अने खाली। अब ये वाले नीचे वाले लिखेंगे इस तरह से, जैसे हम छोटे ओ की मात्रा लगाते थे ना बच्चों, उस तरह से आपको क्या करना है, देखो एक ऐसे इस तरह से टर्न करते हुए और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये बनता है अने खाली, ठीक है। छोटे की मात्रा हम ऐसे ही बनाते थे ना, मैंने आपको बताया था, उस तरह से आपको ये एक टर्न करके हाफ सर्कल को इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो ये बन जाता है अने खाली, अने खाली, सॉरी, अने खाली। नेक्स्ट लाइन, अने खाली, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है ट, ट, ट से टोकरी और ट से टमाटर भी होता है, कैसे लिखेंगे, स्लिपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ये हाफ सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, क्या बन गया, ट, ट से टमाटर, ट से टोकरी। अब इसे बोलते जाएंगे और साथ में लिखते जाएंगे, ट से टमाटर, ट से टोकरी, ट से टमाटर, ट से टोकरी, ट से टमाटर, कैसे बना रहे हैं हम, स्लिपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद इस तरह से एक हाफ सर्कल हमने ड्रॉ किया, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठीक है बच्चों, टमाटर आप लोग जानते हैं, ओके। नेक्स्ट है ठ, ठ से ठठेरा, ये बिल्कुल ट से टमाटर की तरह बनता है, इसमें क्या करते हैं, ट से टमाटर में तो हाफ सर्कल होता है, लेकिन ठ से ठठेरा में फुल सर्कल, पूरा गोला एक गोला बनाते हैं, तो बनता है ठ से ठठेरा। देखिए, स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, और इस तरह से पूरा एक फुल सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या बन जाता है, ठ, ठ से ठठेरा या ठ से ठप्पा, ये। नेक्स्ट, ठ से ठप्पा, ओके, इस तरह से बोलते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ये डॉट्स को ट्रेस करना है, ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा, इस तरह से। नीचे यहाँ भी आपको ऐसे करना है, सबसे पहले ये ब्लू लाइन में आपको एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बीच में से आपको एक स्टैंडिंग लाइन जो कि छोटी सी बनती है, और एक फुल सर्किल ऐसे पूरा गोला खींचते हैं, तो क्या बन जाता है, ठ, ठ, ठ से ठठेरा, ठ से ठप्पा, इसे थोड़ा सा सही करेंगे बच्चों, सर्किल से,
से ठटेरा, ठ से ठप्पा, ठीक है। ये पेज कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट पेज इसी में आगे ये वाला कंप्लीट करेंगे। इसमें दिया है ड, ड से डलिया, डे, डे से ढाल और अड़े खाली। अब देखिए ड कैसे लिखते हैं, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से लाइन को टर्न करते जाइए। पहले इस तरह से सर्कल टर्न करेंगे लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड टर्न करके नीचे लाके इस तरह से मोड़ देते हैं। क्या बनता है ड, ड से डलिया और ड से डमरू, डमरू भी होता है बच्चों, ड से डमरू भी हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। ड, ड से डलिया, ड से डमरू, ड से डलिया, ड से डमरू, ड से डलिया, ड से डमरू, ड से डलिया, ड से डमरू। फिर से बता रही हूँ कैसे लिखेंगे हम, स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर इस साइड लेफ्ट साइड टर्न करके एक गोला बनाओ हाफ सर्कल जैसा और फिर राइट साइड से एक हाफ सर्कल इस तरह से गोल करके नीचे लाकर टर्न करते हैं। क्या बन जाता है, ड, ड से डमरू, ड से क्या होता है बच्चों, डमरू और डलिया दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अड़े, अड़े, ड से डाल, ठीक है, और ड से ढक्कन भी होता है। क्या कैसे बनाएंगे, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, उसके बाद एक हाफ सर्कल टर्न करो, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसे अंदर की तरफ नीचे ले जा, अंदर की तरफ ले जाके टर्न कर देंगे, इस तरफ अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, मतलब अंदर से एक छोटा गोला बन जाता है, तो बन जाता है ये डे से ढक्कन, ठीक है, डे से ढक्कन, डे से ढक्कन, डे से डाल, डे से डाल, डे से ढक्कन, डे से डाल, ढाल, डे से ढाल, डे से ढक्कन, इस तरह से हमने ये पूरा पेज कंप्लीट किया। ये पूरी लाइन्स करनी है, डे से ढक्कन और डे से ढाल, ओके। चलिए बच्चों अभी इसके आगे दिया अणे खाली, ओके। अणे खाली कैसे करते हैं, सबसे पहले आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक इस तरह से लाइन को टर्न करते हुए नीचे ले जाना और ऊपर लाके वापस यहाँ टच करना, ऊपर ज्वाइन करना यहाँ, ठीक है। स्लीपिंग लाइन पे दोनों लाइन टच होती है और फिर आगे की तरफ उसके बाद आप एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, बन जाता है अणे खाली। इन्हें ट्रेस करिए, अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली, ठीक है। अभी आगे वाले करते हैं हम इस तरह से, अणे खाली, स्लीपिंग लाइन, लाइन्स को टर्न करते हुए नीचे की तरफ ले जाके यहाँ टच होगा और ऊपर लाके वापस यहाँ पे लाके स्लीपिंग लाइन पे जोड़ना है और इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये इस तरह आपका क्या बन जाता है, अणे, अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली और अणे खाली, ठीक है। इस तरह से टू पेज कंप्लीट किए हमने, आपकी वर्कबुक के टू पेज कंप्लीट किए हिंदी में, ओके बच्चों। आप भी अपने घर पे ये इसे कंप्लीट करते जाइए, लिखते जाइए और साथ में पढ़ना भी सीखिए, फाइन, थैंक यू।